नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लाइव साइट विजिट। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रघुनंदन चरिया। आज हम आपके लिए एक इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स हाउस लेके आए हैं जो कि रहने वाला है फ्रंट पॉकेट पे, सेक्टर 125 की लोकेशन है, नियर टू योर एयरपोर्ट रोड ये घर रहने वाला है। पार्क की अगर आप बात करेंगे तो वो फैसिलिटी भी आपके डोर स्टेप से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर रहेगी। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल एक्टिविटी भी जस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये 1 से 2 मिनट के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे कमर्शियल एक्टिविटी रहने वाली है। स्कूल की अगर आप बात करेंगे तो जो स्कूल है दैट इज़ अगेन नियर टू योर हाउस। गुरुद्वारा साहब की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जिसकी भी बात करेंगे आप, वो आपके अराउंड द कॉर्नर ही मिलेगी आपको इस घर के अंदर। सो 235 स्क्वायर यार्ड में ये ड्यूप्ले हाउस है जो रहने वाला है 4+1 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम के कॉन्सेप्ट पे ड्यूप्लेक्स तैयार हुआ है। तो ये सारी जो लोकेशन की हमने बात की तो इट मींस कि जो हमारा घर है वो बहुत ही एक्सेसिबल लोकेशन पे है। हर एक चीज़ आपको घर के डोर स्टेप पे ही मिल रही है। फ्रंट पॉकेट में सेक्टर 125 में ये आपको हाउस देखने को मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट विला आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। फैमिली, जो हम घर की बात कर रहे थे वो हमारा बिल्कुल ऑन द राइट साइड हमारे लोकेशन पे हमारा घर है, 235 स्क्वायर यार्ड ड्यूप्ले हाउस। तो रोड्स की बात करेंगे तो 35 फीट वाइड रोड आपको घर के बाहर ही मिलने वाला है, जिससे कि आपकी बेटर कनेक्टिविटी हो जाती है और बेटर पार्किंग स्पेस आपको मिलता है रोड के अंदर ही। इनफैक्ट घर के अंदर भी आपको गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी। सो डे टाइम में अगर आप घर के बाहर एक गाड़ी की पार्किंग करना चाहते हैं तो दैट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल फॉर योर हाउस। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। सो यूट्यूब फैमिली, ये हमारा घर रहने वाला है 235 स्क्वायर यार्ड ड्यूप्ले हाउस की जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। रेडी टू मूव इन कॉन्सेप्ट है ये, हर एक चीज़ इसमें आपको ऑलरेडी लगी लगाई मिलने वाली है। जो फिक्स्ड आइटम्स हैं वो सारी बिल्डर की तरफ से आपको मिल रही हैं। रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री इसलिए कह रहे हैं कि आपने आना है, कोई घर को पसंद करना है, अपनी डील डन करनी है और उसके बाद रजिस्ट्री करा के जस्ट आपने घर के अंदर आके शिफ्ट ही होना है। कोई भी इसमें काम कोई भी पेंडिंग नहीं है, हर एक चीज़ आपको रेडी टू मूव इन कॉन्सेप्ट पे मिलने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गेट की अगर बात करेंगे, आयरन गेट अगर आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा गेट आपको इसमें मिल रहा है और बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ, लाइट एंड डार्क का कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। 2 साइड आपको पिलर्स मिल रहे हैं, सेफ्टी पिलर्स, और उनके ऊपर आपको लाइट्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही हैं। आउटर ग्रिलिंग की बात करेंगे, आपकी सेफ्टी ग्रिल्स आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल हैं इसके अंदर, जो कि आपके ग्रीन गार्डन को भी ढक रही हैं। आइए चलिए अंदर चलते हैं अपने घर के। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी मेन एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। इस घर को अगर आप एंटर करते हैं तो घर के एंटर करते ही आपको जो वाइड एरिया, ओपन एरिया आपको कॉन्सेप्ट में मिलता है। सो घर का जो आंगन है उसी में आपको 2 कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, एक आपका पार्किंग के लिए और आपका ग्रीन गार्डन के लिए। आपको दिखाना चाहेंगे कि पार्किंग की जो स्पेस आपको दे रखी है, 2 से 3 गाड़ियाँ आप कंफर्टेबली अपने घर के अंदर ही पार्क कर सकते हैं और उसके बाद भी आपको जो ग्रीन गार्डन का एरिया मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको मिलने वाला है। फ्रंट एलिवेशन की बात करेंगे, सारा ही टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा। वाइड एंगल पे आपको विंडोज़ मिलने वाली हैं जिससे कि आपका वेंटिलेशन ऑफ लाइट एंड एयर आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। फोकस लाइट ऑलरेडी इंस्टॉल हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दिस इज़ अगेन अ पार्किंग लॉट। जैसे हमने आपसे बात की थी कि 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, तो 2 गाड़ियाँ कम्फर्टेबली आप अपने घर के मेन डोर के सामने ही कर सकते हैं और 1 गाड़ी आप अपने लेफ्ट साइड पर पार्क कर सकते हैं। मेन एंट्रेंस की बात करते हैं, एंट्रेंस पे जो आपको एमिनिटीज़ मिल रही हैं वो आपका शू रैक घर के बाहर ही आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है, और इसको शू रैक आप यूज़ कर सकते हैं और अपने सिलेंडर स्पेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर स्पेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ये सारा एरिया आप वैसे ही, इस स्पेस को आप वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
वुडन टच आपकी जो है फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो आपके पार्किंग लॉट में भी आपको फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन मिल रहा है कंसील लाइट्स के साथ। एक बार आप देखिए प्लीज़। पार्किंग लॉट से होते हुए हम अपने मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं। मेन डोर की तरफ आते ही आपको जो है वेलकम वॉल भी मिलने वाली है, जिसमें कि आप मेटलिक डिज़ाइन के साथ जो है आप काम हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है विद अ बीम ऑफ लाइट। अगर आप देखेंगे नीचे भी फोकस लाइट है और ऊपर भी फोकस लाइट आपको मिलने वाली है इन अ वेलकम वॉल इटसेल्फ। पूरा ही टाइल का वर्क आपको देखने को मिलेगा, पूरा ही टाइल के साथ बहुत शानदार इन्होंने काम किया हुआ है। मेन डोर एंट्रेंस पे आते हैं। मेन डोर एंट्रेंस की अगर बात करेंगे तो जो आपका डोर साइज़ है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलने वाला है आपको, क्योंकि अगर आप डोर साइज़ देखेंगे तो 8x4 अप्रॉक्सीमेटली ये साइज़ आपको मिल रहा है, जिससे कि आपकी लंबाई और चौड़ाई एंट्रेंस की बढ़ जाती है। तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन द हाउस। यही वो घर है जिसके बारे में हम आपको बाहर खड़े खड़े बातें कर रहे थे, आपको बता रहे थे। तो जिसका फ्रंट एलिवेशन इतना सुंदर हो, वो घर अंदर से कैसा होगा। तो आइए अब आपको होम टूर देते हैं ग्राउंड फ्लोर का। तो यहाँ से आप एंटर करते हैं मेन डोर से। मेन डोर एंट्रेंस के बाद इनफैक्ट आपको बाहर भी वेलकम वॉल मिल रहा है, घर के अंदर घुसते ही आपको वेलकम वॉल एक और मिल रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे एक्रेलिक डिज़ाइन आपको मिल रहा है विद कंसील लाइट्स एंड वुडन वर्क, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है विद पीयू पॉलिश। जो वुड का इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर पीयू पॉलिश भी करी गई है, जिससे कि आपका जो एंट्रेंस है वो और सुंदर तरीके से दिखे। आप मतलब जो भी आपके घर में आए उसको बहुत अच्छा लगे। वुडन डोर और मैश डोर आपको घर में हर एक जगह पे दिखेंगे, दैट टू विद अ क्वाइट कंफर्टेबल साइज। आइए चलते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम की अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18x18 का ड्राइंग एरिया ही आपको इसमें मिल रहा है, जिसमें कि आपको वुडन सेपरेशन के साथ वुडन वर्क भी आपको देखने को मिलेगा, कंसील लाइट्स एंड वुडन टच डाउन सीलिंग आपको इसमें मिलेगी। वेंटिलेशन विंडोज की हमने बाहर से बात की थी, तो आपको रूम के अंदर भी दिखाना चाहेंगे कि कितनी कंफर्टेबल आपको जो सनलाइट मिलने वाली है। और अगर एयर वेंटिलेशन का भी बात करें तो एट प्रेजेंटली अभी ना ही कोई इधर एसी चल रहा है, ना ही कोई फैन चल रहा है, बट स्टिल द हाउस इज एयरी एट प्रेजेंट। वॉलपेपर की बात करेंगे तो वॉलपेपर का भी आप देखेंगे कॉम्बिनेशन रखा गया है वुडन के साथ, बहुत ही सुंदर एक लाइट इफेक्ट भी पड़ रहा है इसमें, बिकॉज आप लाइटिंग भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से आपको इंस्टॉल ही मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने डाइनिंग की तरफ। ड्राइंग एरिया की बात करेंगे हम, बात अपने डाइनिंग एरिया की। जो ये लॉबी है इसमें आपको दो डाइनिंग एरिया मिलने वाले हैं। दो डाइनिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज साइज एक तो 235 स्क्वायर यार्ड है, तो क्वाइट कंफर्टेबल साइज है। ड्यूप्लेक्स हाउस है तो आपका जो अंडर द स्टेयर, अगर आप स्पेस यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो एक स्पेस दिया हुआ डाइनिंग टेबल का दिया हुआ है, बिकॉज वॉश बेसिन आपको साथ में मिल रहा है, LED का स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। वुडन सेपरेशन की हमने बात की थी जो आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग के बीच में था, तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर वुडन सेपरेशन जो आपको ड्राइंग डाइनिंग पे साथ मिल रहा है। दूसरी LED पैनल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस पे ही आपका जो है वेलकम मिलता है LED पैनल के साथ। डाउन सीलिंग की अगर हम बात करें तो डाइनिंग एरिया में भी आपको डेडिकेटली डाउन सीलिंग मिल रही है विद वुडन टच एंड कॉब लाइट्स। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन एंड यूनिक डिज़ाइन इसमें आपको मिल रहा है। यह आपका सेकंड स्पेस जो आपको दिया हुआ है डाइनिंग के लिए, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि डाइनिंग के लिए आपको दो स्पेसेस डेडिकेटली दिए हुए हैं, एक किचन के साथ ही आपको मिल रहा है और एक ड्राइंग एरिया के साथ में आपको मिल रहा है। तो एक किचन के साथ वाला डाइनिंग स्पेस आपको मिलता है विद क्रॉकरी यूनिट, अगर आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी आपको इंस्टॉल मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो किचन का कम्युनिकेशन है वो आपके फर्स्ट फ्लोर के साथ भी आपको मिलता है। आमतौर घरों में आपने देखा होगा कि किचन जो है आपकी ग्राउंड फ्लोर कनेक्ट कम्युनिकेशन के साथ ही आपको मिलती है, तो इसमें जो आप स्पेस देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर से भी आपका कम्युनिकेशन स्पेस इसमें दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं अपने किचन की तरफ। मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है, 15x15 अप्रॉक्सीमेटली आपको किचन साइज इसमें मिलने वाला है। बहुत ही शानदार लग्जरी कॉन्सेप्ट में अगर घर है तो ऑब्वियसली बात है कि किचन भी आपको लग्जरी कॉन्सेप्ट में भी मिलेगी आपको। तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको इसमें रैक्स देखने को मिलेंगे, मार्बल टॉप ऑलरेडी इंस्टॉल है, हाइड्रोलिक कैबिनेट्स आपको इसमें मिलेंगे जो कि आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, साउंड प्रूफ सिंक आपको मिल रहे हैं, मॉड्यूलेटेड टैब्स आपको इसमें मिल रहे हैं, बिगर बास्केट भी इसमें आपको, दो बिगर बास्केट आपको वेजिटेबल्स के लिए इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही है। माइक्रोवेव स्पेस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है आपको, ऑलरेडी आपको डेडिकेटली माइक्रोवेव का स्पेस दिया हुआ है। ऊपर भी आपको रैक्स देखने को मिलेंगे, टॉल यूनिट अगर आप देखते हैं तो वो भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है आपको बॉटल रैकिंग के साथ।
तो आइए चलते हैं अब अपने बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूप्लेक्स में दो बेडरूम आपको मिलेंगे, अपना मास्टर बेडरूम एंड पेरेंट रूम। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम कॉन्सेप्ट में इस रूम को तैयार किया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली साइज अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका आ जाता है आपका 14x16 के रूम साइज में। रूम की बात करेंगे, अमेनिटीज आपको क्या क्या मिल रही हैं। रूफ टॉप कबर्ड इसमें आपको मिल रहे हैं, वॉलपेपर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है इसमें, एलईडी पैनल इसमें आपको देखने को मिलेगा, वुडन टच आपकी डाउन सेलिंग विद कॉब लाइट्स आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी। और एक खास बात क्या है इस घर में कि आपकी जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से आपको फ्री कह लीजिए ऑलरेडी इंस्टॉल आपको मिल रही हैं इसमें। आइए चलते हैं अब अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। तो ड्रेसिंग एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 6x6 का अप्रॉक्सीमेटली साइज है ड्रेसिंग एरिया का। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने ड्राइंग एरिया का बोल लीजिए, अपना डाइनिंग का बोल लीजिए या किचन, या अगर आप अपने ड्रेसिंग रूम का भी अगर आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत सिमिलर है घर का। तो बहुत ही सुंदर चीज़ इन्होंने बनाई है हम ये कह सकते हैं। अगर आप वॉशरूम की तरफ चलते हैं, अपने ड्रेसिंग के बाद आपका वॉशरूम आ जाता है ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। तो वॉशरूम के अगर साइज बहुत ही कंफर्टेबल है, बाथिंग एरिया टोटली सेपरेट दिया हुआ है इन्होंने, वॉल हैंगिंग सीट्स आपको इसमें मिल रही हैं अगर आप देखेंगे तो, आपकी वैनिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, टाइल वर्क इसमें आपको मिलता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है क्योंकि वेंटिलेशन विंडो का साइज बहुत कंफर्टेबल आपको दिया हुआ है। और इस रूम की खासियत क्या है कि ये जो आपका रूम है ये आपके बैक यार्ड के साथ भी कनेक्टेड है, जिसे हम वॉशिंग एरिया कह देते हैं, अपने घर की वेंटिलेशन स्पेस हम कहते हैं। तो उस रूम ये रूम उधर से भी कनेक्ट होता है। ये आपका बैक साइड पे पेंट्री सेक्शन भी आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा क्योंकि जो वॉशिंग एरिया है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो हाफ ऑफ द पोर्शन में आप इसको पेंट्री यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एक रैक्स के साथ सिंक दिया हुआ है, सो दैट कि आपका जो वेट एरिया है वो आप बाहर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोनों ही रूम की जैसे हमने आपको बताया कि कनेक्टिविटी आपकी वॉशिंग एरिया में मिलने वाली है आपको, तो यहाँ से आपकी सेकेंड रूम की कनेक्टिविटी हो जाती है। आइए चलते हैं अपने पेरेंट रूम की तरफ। ये है हमारा पेरेंट रूम, या इसको चिल्ड्रन रूम भी आप इसको बना सकते हैं कि जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब रूम की बात करेंगे तो अमेनिटीज सेम जो आपको मास्टर बेडरूम में देखने को मिली थी, वही आप अमेनिटीज आपको जो है पेरेंट रूम में भी मिल रही हैं। रूफ टॉप कबर्ड्स आपको मिल रही हैं, ऊपर कोल्ड स्पेस दिया हुआ है, नीचे आपके शू रैक्स दिए हुए हैं डेडिकेटली, वॉलपेपर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है, आर्टिफिशियल लाइट इस रूम में भी मिल रही है, इनफैक्ट पूरे ही घर में आपको आर्टिफिशियल लाइट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। डाउन सीलिंग की बात करेंगे तो वुडन टच आपकी डाउन सीलिंग रहने वाली है विद कॉब लाइट्स, एलईडी पैनल। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है जो आपका मास्टर बेडरूम में था। के बाद हमारा ड्रेसिंग एरिया आपको दिखाना चाहेंगे कि डेडिकेटली एक कॉर्नर आपको ड्रेसिंग एरिया के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है। इसके बाद चलते हैं ऑन द राइट साइड एक्सट्रीम आपका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम की अगर बात करेंगे क्वाइट कंफर्टेबल साइज, सेम जो हमारा मास्टर बेडरूम में देखने को आपको मिला था। वॉल हैंगिंग पॉट्स हैं आपके, वैनिटी आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डार्क कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूटिलाइज किया गया है, ग्रे एंड डार्क ग्रे का इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वेंटिलेशन विंडोज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो था हमारा ग्राउंड फ्लोर का टूर, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ग्राउंड फ्लोर कैसा लगा इस घर का, ड्यूप्लेक्स 235 स्क्वायर यार्ड। तो अब आपको दिखाना चाहेंगे हमारा फर्स्ट फ्लोर जो कि है 2BHK कॉन्सेप्ट में, और साथ ही सर्वेंट रूम आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आइए चलते हैं देखते हैं। ये ड्यूप्ले हाउस है तो इंटरनल स्टेयर केस आपको मिलने वाला है। अगर आप स्टेयर केस की भी बात करेंगे तो SS की रेलिंग विद टफन आपको इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा। जो स्टेयर केस की वॉल्स हैं उस पर भी बहुत ही शानदार डिजाइंस अगर आप देखेंगे तो इसमें यूनिक डिजाइन पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। वुडन वर्क वॉलपेपर आपको इसमें इंस्टॉल मिल रहा है, शैंडलर स्पेस में आपको शैंडलर ऑलरेडी इंस्टॉल मिलने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। फुटस्टेप्स लाइट्स का भी ध्यान रखा गया है कि इनके अंधेरे में अगर कोई ऊपर चढ़ता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्यूरियोसिटी हो रही होगी आपकी कि ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको 2BHK दिखाया तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा क्या है जो बार बार हम नीचे आपको हिट कर रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाएंगे, फर्स्ट फ्लोर दिखाएंगे। तो बताना चाहेंगे फर्स्ट फ्लोर में आपको हॉल कॉन्सेप्ट में
टू मास्टर बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं इसमें विद पूजा रूम, ओपन टेरेस आपको इसमें मिलेगा और ऊपर आपको सर्वेंट रूम देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा मास्टर बेडरूम नंबर वन, जिसमें अगर बात करें एमिनिटीज की क्या क्या आपको मिलने वाली है, तो इस बेडरूम में अटैच आपका ड्रेसिंग रूम मिलेगा। ड्रेसिंग रूम के अंदर ही आपकी वार्डरोब सेक्शन आपको ऑलरेडी डेडिकेटली स्पेस में आपको दिया हुआ है। ड्रेसिंग टेबल आपको उधर ही मिल रहा है। तो इस रूम में सिर्फ और सिर्फ आपका मूवेबल बेड लगेगा और रूम का साइज अगर कंफर्टेबली आप देखेंगे तो 18x18 का आपको रूम साइज मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, जिसमें आपका ड्रेसिंग एरिया अलग है, उसके बाद आपका वॉशरूम आता है। तो बेड लगने के बाद भी अराउंड द कॉर्नर जो आपका वॉकिंग स्पेस बचता है वो बहुत ही कंफर्टेबल बचता है। दो चेयर्स के साथ अगर आप IT के कॉन्सेप्ट में आप घर पे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो उस कॉन्सेप्ट में भी आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। LED पैनल आपको देखने को इसमें मिलेगा। वॉलपेपर बहुत सुंदर इन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ। आर्टिफिशियल लाइट्स आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी मिली थी, तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलने वाली है। वुडन टच आपकी डाउन सीलिंग रहने वाली है विद कॉब लाइट्स। तो आइए चलते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। सो ये है आपका ड्रेसिंग एरिया। अगर हम रूम की बात करें, रूम की बात नहीं करेंगे अब क्योंकि रूम आपका बाहर छूट चुका है, तो ड्रेसिंग एरिया की अगर हम बात करें तो रूफ टॉप कबर्ड जिसमें आपको मिल रही है सॉफ्ट रूफ के साथ, ऊपर आपको क्विल्ट एरिया मिल रहा है, नीचे आपका शू रैक इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑन द लेफ्ट साइड आपको जो है ड्रेसिंग एरिया आपको मिलता है। यहाँ पे बस आपने अपनी चेयर लगानी है और आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तैयार होना है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम का भी साइज अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। बाथिंग एरिया आपका अलग है, आपका सेटिंग एरिया आपका अलग रहने वाला है। वैनिटी आपको ऑलरेडी इंस्टॉल इसमें मिल रही है। वेंटिलेशन बहुत शानदार है। टाइल्स का अगर आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। वॉल हैंगिंग आपको पॉट मिल रहा है इसमें। आइए चलते हैं, मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियसली आपको ओपन बालकनी भी मिलेगी। तो आइए चलते हैं अपने बालकनी की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी ओपन बालकनी, जो कि अगर आप देखेंगे तो इस बालकनी को आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सिटिंग एरिया इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटा सा आपके घर में गेट टुगेदर है वो स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके लिए। और आयरन की ग्रिलिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी विद टाइल्स। पूरे ही फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स का काम आपको मिलेगा देखने को, ग्राउंड फ्लोर से लेके टिल द बॉटम ऑफ द हाउस। सो वुडन टच आपकी डाउन सीलिंग इसमें भी दी गई है, आपकी गैलरी एरिया में भी विद कॉब लाइट्स। तो आइए चलते हैं अब अपने मास्टर बेडरूम नंबर टू में। तो मास्टर बेडरूम से बाहर आते ही आपको एक ड्राइंग हॉल दे रखा है, जिस हॉल को आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो सोफा लगाना चाहें आप, सो 7-11 सीटर सोफा आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको LED पैनल भी इसमें देखने को मिल रहा है, और इसको आप एक और इस स्पेस को आप एक और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप इस मिनी थिएटर कॉन्सेप्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। सामने LED लगाइए, मूवी आप इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज द मोमेंट आप इस सारी लाइट जो है ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो आप एक मिनी थिएटर की आप इसमें विद द फैमिली मूवी इंजॉय कर सकते हैं, उसकी फील आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो वुडन टच डाउन सीलिंग आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन पैटर्न के साथ। कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न की बात करेंगे तो डिज़ाइन टोटली यूनिक आपको जो है इसमें मिल रहा है विद कॉब लाइट्स। आइए चलते हैं अपने पूजा रूम की तरफ। डेडिकेटली पूजा रूम भी इस घर में आपको देखने को मिलता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं फैमिलीज की कि इतने बड़े घर में पूजा रूम क्यों नहीं है। तो पूजा रूम की जो आपकी एक क्वेरी होती है वो भी इस घर में आके रिजॉल्व होती है। डेडिकेटली आपको पूजा रूम इसमें आपको देखने को मिलता है। तो मास्टर बेडरूम सेकेंड की अगर हम बात करेंगे इस घर में, तो दिस इज अ सेकेंड बेडरूम जो आपका मास्टर कॉन्सेप्ट में इसको भी रेडी किया गया है। कंफर्टेबल साइज है, एमिनिटी वाइज सिमिलर है। रूफ टॉप आपको इसमें कबर्ड देखने को मिल रहे हैं। वॉलपेपर आपको जो थीम है अलग ही मिलती है। चारों कमरों में थीम जो है, कलर कॉम्बिनेशन जो है टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल लाइट्स अगेन आपको इंस्टॉल मिलती है। रूफ टॉप कबर्ड्स हैं आपकी, नीचे आपका शू रैक आ जाता है, ऊपर आपका क्विल्ट का स्पेस आ जाता है। अगर आप वॉल की बात करेंगे तो ऊपर भी आपको वुडन टच डाउन सीलिंग देखने को मिलती है।
और एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि बैक साइड ऑफ द हाउस में आपको पार्क भी मिलता है। तो पार्क जो है आपका, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला है, तो आप अपने घर से पार्क का व्यू भी ले सकते हैं फ्रॉम द बैकयार्ड। तो आइए चलते हैं अपने ड्रेसिंग की तरफ। तो ड्रेसिंग आपको थर्ड बेडरूम में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका सेकेंड बेडरूम है सेकेंड फ्लोर का। ड्रेसिंग के बाद आते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। अगेन कलर कॉम्बिनेशन टोटली चेंज है, बट एमिनिटीज वाइज सारा ही सेम है अपना। आपको वॉल हैंगिंग सीट इसमें मिल रही है, आपका वैनिटी आपको ऑलरेडी इंस्टॉल इसमें मिल रहा है। बाथिंग स्पेस टोटली डिफरेंट है सिटिंग एरिया से, विद वेंटिलेशन विंडो। तो अब आइए अपने ओपन टेरेस की तरफ हम चलेंगे। सब चलते हैं अपने ओपन टेरेस की तरफ। ओपन टेरेस से आपको जो कनेक्टिविटी दी गई है वो आपके सर्वेंट रूम की दी गई है, कि आपकी जो सर्वेंट रूम का जो पोर्शन है, जो सर्वेंट लिविंग है, वो टोटली आपके घर से डिफरेंटली दी गई है, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पे आपको मिलती है। सो दिस इज़ योर ओपन कॉन्सेप्ट, ओपन टेरेस कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको इसमें देखने को मिलता है, कि यहाँ पे आप विद अ फैमिली इवनिंग टी आप इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्लीजेंट मौसम है आज, तो उसको भी आप इन्जॉय कर सकते हैं अपने डियर वन एंड लव्ड वंस के साथ। गाइस ये तो था हमारा गाइस ये था हमारा ड्यूप्लेक्स 235 स्क्वायर यार्ड 4 BHK विद सर्वेंट रूम। तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि घर आपको कैसा लगा। कोई क्वेरी आपकी हो, कोई क्वेश्चंस आपके हो इसके रिगार्डिंग पूछने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और मिलते हैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया घर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।